नमस्कार, छोटी सी आशा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। छोटी सी आशा के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हम महिलाओं की तमाम छोटी से बड़ी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा सकें। ऐसी ही महिलाओं की सभी समस्याओं के समाधान के लिए ये कार्यक्रम है छोटी सी आशा। दर्शकों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे, जिस विषय पर हम बात करेंगे, वो चेहरे से जुड़ा है, वो आपके अपने चेहरे से जुड़ा है। चेहरा साफ सुथरा और दमकता हुआ हो तो अच्छा लगता है। अगर आपके दमकते चेहरे पर कोई दाग, धब्बे या मुहासे हो जाएं, तो आपको खुद भी अपने चेहरे से चिढ़ होने लगती है। पिंपल होने की वजह से जो दाग रह जाते हैं, उनको चेहरे से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हर कोई बेदाग, साफ और निखरा चेहरा पाना चाहता है, पर ना चाहते हुए भी पिंपल और दाग धब्बे हो ही जाते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। और हमारे साथ आज स्टूडियो में स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, और उनसे भी ज़रूर जानेंगे कि क्या कुछ वजह रहती है चेहरे पर इतने मुहासे होते हैं, कील होती हैं उनको लेकर। और आप भी दर्शकों, सबसे खास बात तो ये है इस कार्यक्रम की कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन्स पर फ्लैश होता रहेगा लगातार। एक बार हम भी बता देते हैं, 0111-4321-4321 हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको भी बार बार ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप भी बार बार इस प्रॉब्लम से जूझते हैं, खास तौर पे हर तरह की सावधानी आप बरत चुके हैं, हर तरह से आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। तो आप हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में ज़रूर जुड़िएगा ये जानने के लिए कि आखिर मुहासों से जुड़ा सच क्या है, ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस उम्र में होते हैं, ये तमाम सवाल। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर CM गुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में। और आज हम, जैसे कि आज हमने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो कि यंगस्टर से लेकर हर एक व्यक्ति की आज के टाइम में प्रॉब्लम हो गई है, चाहे पॉल्यूशन हो इसकी वजह, चाहे हमारी डाइट हो, बहुत से इसके रीजंस हैं जिनकी वजह से पिंपल्स हमारे चेहरे पर होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि और क्या क्या वजहें रहती हैं इनकी। पिंपल्स आपने बताया जिस तरह से कि हाँ, पिंपल्स मेजर कंसर्न रहता है सभी महिलाओं का और पुरुषों का भी। जो हमारी एडोलेसेंट एज है 15 साल से पहले, 18 साल से 21 था, 15 साल पे पिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं बदलती लाइफस्टाइल की वजह से। तो पिंपल्स का नॉर्मल आउटकम है जब आप 15-16 साल एडोलेसेंट एज में घुसते हैं, तो कुछ हार्मोनल बदलाव हमारे शरीर में आते हैं जिसकी वजह से पिंपल्स निकलते हैं। और अगर समय पर इनका इलाज किया जाए तो पिंपल्स एक नॉर्मल प्रक्रिया जो आसानी से हील हो जाती है, लेकिन कुछ और फैक्टर भी इसमें एड ऑन हो जाते हैं जिसकी वजह से ये पिंपल्स बढ़ जाते हैं, नोडुलर एक्ने बन जाते हैं, निशान छोड़ के जाते हैं। तो उसमें बहुत से कारण हैं, जिस तरह के कॉस्मेटिक का गलत तरीके से चूज करना, अधिक यूज करना, डाइट जिसमें है, वेट पुट ऑन करना, पॉल्यूशन एंड स्लीप साइकिल, और ये बहुत सारी चीजें हैं जो सिंपल पिंपल्स को फिर इंक्रीज करके नोडुलर एक्ने और फिर उनके स्कार छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। अभी आपने जिक्र किया वेट पुट ऑन करना, मतलब जो लोग पहले नॉर्मल थे एकदम से उनका वेट पुट ऑन हुआ है, हो सकता है कि उनके चेहरे पर पिंपल्स भी हो जाएं, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, वेट पुट ऑन का कारण है कि उनकी जो डाइट है, डाइटरी हैबिट है, वो ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से वेट पुट ऑन हो रहा है, तो वो एक्ने में भी एड ऑन हो जाता है। इसी तरह से अगर वेट पुट ऑन हो रहा है तो उसकी वजह कुछ PCOD एक नाम की समस्या महिलाओं में पाई जाती है, तो उसकी वजह से वेट पुट ऑन होता है, तो वो PCOD अपने आप में एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से एक्ने भी बढ़ जाता है। आजकल हम बहुत ही तेज जमाने में हैं, लाइफस्टाइल हमारा बहुत फास्ट हो गया है, अक्सर हम फास्ट फूड जो है वो खाते रहते हैं, अक्सर हम प्रिजर्व्ड की हुई चीज़ें खाते रहते हैं। कभी कभार तो ऐसे भी होता है कि 3 टाइम के खाने की जगह हमने 2 टाइम ही खाना खाया, लेकिन ज़्यादा खाना खा लिया, तो क्या ये भी वजह रह सकती है? हाँ बिल्कुल, अगर आपकी डाइट संतुलित नहीं है और टाइम पे नहीं ले रहे हैं तो अनेकों बीमारियां जन्म लेती है जिनमें कि पिंपल्स भी शामिल हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट, बहुत ज़्यादा मीठा अगर ये ले रहे हैं तो ज़रूर इनसे पिंपल्स बढ़ जाते हैं। डॉक्टर गुरी, एक हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स ज़रूर दीजिए कि किन किन चीज़ों को अगर वो रोज़ाना अपनी डाइट में ऐड करें या रोज़ाना उनका ध्यान रखें तो उनको पिंपल नहीं होंगे।
पिंपल होने को तो नहीं रोका जा सकता, अगर हार्मोनल प्रभाव शरीर पे आता है तो पिंपल्स होंगे, उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। बट हम चाहते हैं कि पिंपल्स जल्दी कंट्रोल हो जाएं और निशान ना छोड़ के जाएं, तो कुछ डाइट में चेंज किए जा सकते हैं। तो विटामिन सी वाली चीज़ें, विटामिन ई वाली चीज़ें, विटामिन ए वाली चीज़ें आप अधिक लें। विटामिन सी जैसे अगर आप डेली एक ग्लास लेमन वाटर भी ले लेते हैं, नींबू का पानी, तो वो भी सफिशियंट है। उसके अलावा लाइम, ऑरेंज, इस तरह की चीज़ें अगर आप ले, जिनमें विटामिन सी है, ग्रीन वेजिटेबल जिसमें कि आप गाजर का जूस ले सकते हैं, पाइनएप्पल है, तो इस तरह की चीज़ें अगर आप विटामिन सी वाली चीज़ें लेंगे तो जरूर ये फायदा करेंगे पिंपल्स में। चलिए, और भी जानकारी जरूर देंगे दर्शकों को। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सुनीता है, सुनीता जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मेरी लड़की है जी 15 साल की, उसके ये पिंपल मुंह पर ज्यादा घने तक घने लिख रहे जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ तो सुनीता जी, अभी आपने कोई इलाज शुरू करवाया है उसका? कई बार डॉक्टरों को भी दिखवा दीजिए, दुगने दुगने आते हैं। नहीं, आपने स्किन डॉक्टर को दिखाया है? हाँ, स्किन डॉक्टर से भी दिखवाया जी, स्किन वाले से। हाँ, तो आप बता रहे हैं कि 15 साल की उम्र है, तो अभी पिंपल्स की शुरुआत है, तो जैसे ही आप ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं 10-15 दिन में उसका असर नहीं आता, कुछ समय लगता है, तो उस दौरान आप बार बार ट्रीटमेंट या डॉक्टर चेंज ना करें। कोई भी पिंपल्स का ट्रीटमेंट आप 2.5-3 महीने कंटिन्यूस लें, और 15 साल आप उम्र बता रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप इलाज जहां भी से ले रहे हैं पूरा करें उसको, 2-3 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुनीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक इनसे ये जरूर निकल कर सामने आया कि बात आपने कही कि डॉक्टर से जिससे इलाज करवा रहे हैं उसी से इलाज करवाएं, ये कितना जरूरी है? पिंपल्स कोई भारी समस्या नहीं है कि जिसके लिए बहुत हायर सेंटर में जाना पड़े या आपको कोई दूसरी जगह जाकर इलाज कराना पड़े। कोई भी स्किन सेंटर है या स्किन स्पेशलिस्ट आप दिखाएं तो ये बहुत ही जल्दी और इजीली हील हो जाता है। समस्या ये आती है कि पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो या तो क्रीम, इसमें अलग अलग तरह की हम क्रीम्स प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई डे में लगाना है, कोई नाइट में, तो अगर वो सही तरीके से और सही मात्रा में लगाई जाए तो कहीं भी पेशेंट इलाज करा सकता है। होता ये है कि पेशेंट सोचता है कि 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई असर नहीं हो रहा, पिंपल्स अधिक निकल रहे हैं, तो पेशेंट बेचैनी के अंदर फिर या तो डॉक्टर बदल देता है या क्रीम बदल देता है, तो उससे थोड़ा फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो जो भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं पेशेंस रखें और 2-3 महीने इसमें लगते हैं किसी भी इलाज में। बिल्कुल दर्शकों, लगातार अभी भी आपके लिए हमारी फोन लाइन खुली हुई है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और आपकी हर समस्या का समाधान आप तक जरूर पहुंचाएंगे हम। आपसे अब ये चीज भी जरूर जानना चाहेंगे, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दवाइयां खाते हैं, वो उनकी कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो क्या ज्यादा दवाइयों का सेवन भी इस चीज का एक रीजन बन सकता है? हाँ, दवाई अगर पेशेंट खा रहा है तो कोई ना कोई उसकी वजह जरूर होगी, तो जिस वजह से दवाई खा रहा है तो या तो कोई पेट की बीमारी है या कोई लीवर की या किडनी की या कोई और हार्मोनल प्रॉब्लम की दवाई ले रहा होगा। तो दवाई लेने से भी और जिस चीज़ के लिए दवाई ले रहा है, वो जो बीमारी उसके शरीर में ऑलरेडी है जिसकी दवाई चल रही है, तो उसकी वजह से ही पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, लगातार हमें आप कॉल करते रहिए, अगर आपको बार बार दाने होते हैं चेहरे पर, शरीर पर, या फिर आप इनके ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, अक्सर सावधानी बरतते हैं फिर भी नहीं हट रहे हैं, तो जरूर एक बार सजेशन जरूर लीजिएगा। शरीर के किन किन अंगों पर सबसे ज्यादा दाने होते हैं? मोस्टली तो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, उसके अलावा बैक पे भी हो सकते हैं, आर्म्स पे, हमारी बाजुओं पे, बैक पे, चेस्ट पे, अगर अधिक हार्मोन लेवल बहुत ज्यादा है तो इन स्थानों पे भी पिंपल्स आ सकते हैं। तो ये वो एरियाज हैं जिनको हमें कवर करके रखना चाहिए? नहीं, कवर करके रखने से तो कोई लिंक नहीं है इसका, बल्कि हम किस तरह के आपका पहनावा है, अगर आप लूज कॉटन के और लूज क्लोथ्स पहनते हैं तो वो जरूर इसमें फायदा करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइट, बहुत ज्यादा सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते हैं जिनसे पोर्स हमारे जो क्लोज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप हेल्दी और लूज और कॉटन के क्लोथ पहनेंगे तो कुछ हेल्प मिलेगी आपको। चलिए, जतिन जुड़ गए हैं इसी बीच हमारे साथ। जतिन जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? मैम, मेरे फोन होती है। अच्छा, सीजन चेंज होने पर होती है या अक्सर रहती है? अभी मैम मेरे को 2 साल से हो रही है दादा, अभी कल 2 महीने ठीक रह जाती है। जतिन, एज क्या है आपकी? मेरी 20। 20? हाँ, तो जतिन 20 एज में पिंपल्स आना स्वाभाविक है, तो आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है इनका? मैंने अभी तक नहीं करवाया। हाँ, तो इसका कोई भी अपने नजदीक में आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट उनको मिलकर ट्रीटमेंट कराएं तो ये इजीली ठीक हो जाएगी, और जल्दी इलाज कराने का फायदा ये होगा कि इनसे होने वाले जो निशान है वो आपको नहीं पड़ेंगे। अगर हम लेट करेंगे तो पहले पिंपल्स तो ठीक हो जाते हैं अपने आप भी, लेकिन वो निशान छोड़ जाएंगे, वो फिर एक बहुत महंगा इलाज अपने आप में हो जाता है। तो आप जितना जल्दी और इलाज कराएंगे उतना ही बेहतर रहेगा।
लेकिन डॉक्टर गुरी ये भी सुनने में आया है कि अगर ज्यादा पानी पीते रहें हम अपने अंदर इनटेक पानी का ज्यादा रखें तो चेहरा साफ रहता है, ये कितना सच? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पानी पीने से नॉन केवल चेहरा शरीर का रंग ही अच्छा रहता है, सारे ऑर्गन्स को शरीर सप्लीमेंट होता है, तो कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी एक आम आदमी को दिन में पीना चाहिए। ना केवल पानी और जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी जूसेज हैं और लिक्विड डाइट्स हैं, जितना आप लिक्विड डाइट लेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। अच्छा, जैसे पिंपल होते हैं उनकी भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कि कई लोगों को छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं शरीर पर, कई लोगों को वाइट हेड्स होते हैं, कईयों को ब्लैक हेड्स होते हैं, तो क्या इनके अकॉर्डिंग ही इलाज होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये जो आप बता रही हैं तो स्टेज होती है एक्ने की है, जैसे पहले स्टार्ट होगा ब्लैक हेड से, फिर वाइट हेड से, फिर वो ब्लैक हेड में कन्वर्ट होता है, अगर उस समय इलाज ले लिया जाए तो ब्लैक हेड या वाइट स्टेज की स्टेज पे ही ये खत्म हो जाता है। उसमें अगर लापरवाही की जाए या नेग्लेक्ट किया जाए तो फिर ये इन्फ्लेमेटरी एक्ने में और फाइनली बड़ी बड़ी गांठों में, जिनको हम नोडुलोसिस्टिक एक्ने कहते हैं, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्टेज है पिंपल्स की जो वाइट हेड से स्टार्ट होकर नोडुलोसिस्टिक एक्ने तक जाती है लापरवाही की वजह से या गलत इलाज करने की वजह से। तो आपको जैसे ही पिंपल्स नजर आते हैं तो हम यूजली नेग्लेक्ट कर देते हैं, अभी तो छोटा सा है या अपने आप ठीक हो जाएगा, तो फिर इंक्रीज होकर के नोडुलोसिस्टिक एक्ने बन जाता है। तो हम यही सलाह देते हैं कि जितना जल्दी और बेहतर इलाज हो सके आप लें, ताकि वो प्रारंभिक स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज पे ही चला जाए और निशान ना छोड़े, तो आपको निशान का ट्रीटमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी आदत होती है कि चेहरे पर बार बार हाथ लगाना, ऐसे बैठ गए, बार बार हाथ लगाते रहे, भले ही हम हाथ धोते हैं लेकिन क्या ये सेफ है? नहीं बिल्कुल, चेहरे पे बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, ना चेहरे को बार बार धोना चाहिए, ना बार बार हाथ लगाना चाहिए, ना टॉवल से बार बार रगड़ के साफ करना चाहिए, ना बहुत अधिक स्क्रबिंग करनी चाहिए। ये सारे इट ऑल दिस टाइप्स आर इंसल्ट टू स्किन, तो बार बार करने से स्किन इरिटेट होके और ज्यादा पिंपल्स निकलता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, टिंकू हैं। टिंकू जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैं जानना चाहता हूँ, मेरे ललाट पे जो है ना दाना दाना आ गया। किस हिस्से में शरीर के आपके दाना हो रहा है? ललाट पे, सर पे। सर पे? जी हाँ, सर पे दाने हो रहे हैं। चेहरे पे, नाक पे आप दाने बता रहे हैं? हेलो, नाक के ऊपर, चेहरे पे, ये ललाट पे। अच्छा ठीक है, हाँ तो इनके फोरहेड पे दाने हो रहे हैं, तो आपने इलाज लिया है कोई? जी यही पटना एम्स में दिखाया था, एक लगाने के लिए मरहम दिए थे। हाँ हाँ, वो बोले थे रात में लगा करके छोड़ने के लिए, तो मैंने दिन तक लगा के रखा। कितने दिन आपने लगाया, कितने दिन तक लगाते रहे आप? एक महीने तक लगा रहा। अच्छा, और कुछ खाने की दवाइयाँ भी दी होंगी? जी नहीं, खाने की दवाइयाँ नहीं दी। हाँ तो आप दोबारा दिखाएं, बता रहे हैं आपने पटना एम्स में दिखाया, तो बहुत अच्छा सेंटर है वो, आप वहाँ दिखाएं। और उन केमिकल पील वगैरह के लिए आपको कुछ सजेस्ट किया होगा, केमिकल पीलिंग कराने के लिए? जी नहीं, लगाने के लिए दिया था। हाँ एक्चुअली हमको लग रहा है ना सर, हाँ, हेलमेट पहनने से मेरा ये रिएक्शन हुआ, जिस दिन हेलमेट पहने थे ना। हाँ तो हेलमेट पहनने से, हाँ बार बार फ्रिक्शन होता है, रगड़ लगती है, उससे पिंपल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप इलाज लेंगे तो वो समस्या समाधान हो जाएगा। तो एक बार आप दोबारा दिखाएं जाके, तो आपको जैसे पहली बार उन्होंने दवाई दिया नहीं ठीक हो रहा है, तो आगे केमिकल पीलिंग वगैरह हम करते हैं आजकल, तो आप दोबारा एम्स में दिखाएं जाके, तो जरूर आपका इलाज होगा। चलिए, इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, देवेंद्र हैं। देवेंद्र जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? देवेंद्र जी हैं आप हमारे साथ? हेलो, हाँ जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम जानना चाहता हूँ कि अगर चेहरे पे मुहासे हो जाने के कारण जो दाग पड़ जाते हैं, वो दाग दूर वो दाग कैसे दूर होंगे? हाँ, दाग पहले बड़ा मुश्किल होता था दाग को ठीक करना, बट आजकल हमारे पास फ्रैक्सल लेजर होता है, तो उसकी 2 या 3 सीटिंग्स होती हैं, तो उसमें बिल्कुल क्लीन हो जाता है फेस, जितने भी दाग वगैरह खड्डे वगैरह पड़ जाते हैं पिंपल्स के, एक्नी स्कार कहते हैं उनको, तो फ्रैक्सल लेजर से बहुत ही आसानी से ठीक हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर गुरी, बहुत सी आजकल मार्केट में ऐसी क्रीम्स हैं जो कि दावा करती हैं कि ये स्कार्स हट जाएंगे, ये दाग हट जाएंगे, क्या उनका यूज करना चाहिए? नहीं बिल्कुल, उनका हम डिस्करेज करते हैं यूज करना, अगर मोस्ट ऑफ क्रीम्स आर हैविंग स्टेरॉइड, उनमें स्टेरॉइड होता है, तो आप जैसे ही चेहरे पे लगाते हैं बहुत अच्छी चमक आती है और दाग धब्बे कुछ दिनों के लिए मिट जाते हैं, बट आगे जाके लॉन्ग टर्म में उनके बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर से बहुत बड़े बड़े पिंपल्स निकल जाते हैं और भी काफी चेहरे में स्किन एट्रोफी हो जाना, फिर से खड्डे पड़ जाना, तो वो समस्याएं रहती है। तो इस तरह की दवा जो ओवर द काउंटर मिलती है या पेपर में ऐड आते हैं या दावा करती हैं, तो इस तरह की दवा का इस्तेमाल हम बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं। और खाने में जो लोग, बहुत ही हमारा भारत देश है, हम लोगों को एकदम मसालेदार चीज़ें, पराठे, ये चीज़ें, तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में, तो क्या ये चेहरे के लिए या हमारी स्किन के लिए कितनी फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? नहीं नहीं, फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है, जो भी चीज़ ये आप बताइए आपने, ठीक है आप खाएं, कभी त्यौहार पे खाएं या वीकेंड्स पे खाएं या कभी कहीं घूमने जाते हैं तो खाएं, बट इनको डेली रूटीन डाइट में शामिल करना ठीक नहीं है। आप कभी कभी खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप डेली खाएंगे तो फिर ना केवल पिंपल्स होंगे, पेट पुटन हो जाएगा और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स और दुनिया भर की बीमारियां, दे विल अट्रैक्ट।
चलिए गुरुनाम हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक और दर्शक उनसे भी बातचीत करते हैं। गुरुनाम जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैडम जी, इसके जो मेरा चेहरा है इस पे पिंपल हो गए थे, वो अब वो पिंपल निशान छोड़ गया, तो इसका कुछ इलाज है? हाँ, अभी हमने बात की गुरुनाम की, पिंपल्स का जो चेहरे निशान छोड़ गए हैं उनके लिए एक लेजर ट्रीटमेंट होता है, फ्रेक्सल लेजर ट्रीटमेंट, तो आप कराएं ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अगर वो सुविधा आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है तो केमिकल पील, अलग अलग तरह की केमिकल पील होती है, तो उनकी 5-6 सीटिंग लेंगे तो काफ़ी फायदा उसमें मिलेगा। डॉक्टर गुरी, कितनी उम्र के लोगों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, कितने से कितने एज ग्रुप के लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं? एडोलिसेंट एज तो सबसे कॉमन है, जिसमें कि 15 साल से लेकर 23 साल तक जो एज ग्रुप है जिसमें हमारे शरीर में बदलाव आते हैं हार्मोनल, तो उनमें तो ये सब मिलती है। उसके बाद भी आजकल क्योंकि मैरिज की एज लेट हो गई है, सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो आफ्टर 30 भी हम देख सकते हैं। उसके बाद 40 के बाद की महिलाओं में अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, क्योंकि मीनार्की की तरफ, मेनोपॉज की तरफ फीमेल्स जाती हैं, तो उस दौरान भी हार्मोनल बदलाव की वजह से आ सकता है। तो पहले एडोलिसेंट में, फिर अराउंड 30 में, और इवन आफ्टर 40 में पिंपल्स मिल सकते हैं। चलिए सुखविंदर कौर हमारे साथ जुड़ गई हैं अब। सुखविंदर कौर जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगी आप? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, एक्चुअली ना मेरी एज है जी 35। हाँ जी। और मेरे फेस पे ना ज्यादा जिवें तिल टाइप छोटे छोटे जे ब्लैक्स ऐसा आंदे ने जी, ब्लैक हेड होंदे ने। हाँ जी ब्लैक्स ज्यादातर फेस ते ने। ते कुछ ना झुरड़ियां भी पैन लग गई जी आईज दे कोल, ते ओ तिल वगैरह नहीं जा रहे हैगे काफी बॉडी ते भी, बट ज्यादा फेस ते आ रहे ने, एदा कुछ दसो जी इलाज। सुखविंदर जी, तुसी किते इलाज करवाया पहले? नहीं जी, पहला कोई इलाज नहीं करवाया, तिलां दा कोई इलाज नहीं करवाया जी, फिलहाल मैं कोई ट्यूब वगैरह कुछ भी क्रीम नहीं यूज करती। हाँ, तो सुखविंदर आप अपने आप कोई ट्यूब वगैरह यूज ना करें, अपने नजदीक जो भी स्किन स्पेशलिस्ट है उनको दिखाएं, तो आपको क्रीम देंगे, तो उनको आप 3-4 महीने तक लगाएंगे लगातार, तो ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और आप इसी तरह अपनी क्रीमों का इस्तेमाल करती रहेंगी, तो फिर यही आपके छोटे छोटे कील वहाँ से बड़े होकर निशान छोड़ के जाएंगे। और जो आप रिंकल्स के बारे में बता रही है, वो भी हो सकता है कि आप जो पिंपल्स के लिए क्रीम लगा रही हैं अपने आप, वो कुछ नुकसान कर रही हो, तो आप मिलें स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, और केमिकल पील वगैरह के लिए उन्हें पूछें, तो बताएंगे आपको आपके लिए कौन सी केमिकल पील या क्रीम्स बेहतर रहेंगी। आपने जैसे एक टाइम बताया डॉक्टर गुरविंदर कि 3-4 महीने तक वो क्रीम लगानी पड़ेगी, अगर इन एनी केस ऐसे होता है किसी व्यक्ति के साथ कि एक महीने में ही उन्हें असर दिखने लग गया और उन्होंने क्रीम लगानी छोड़ दी, तो उस केस में क्या पिंपल वापस आ सकता है? हाँ बिल्कुल, कोई भी आप पिंपल्स का ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट करते हैं तो आपको ध्यान रहे कि कम से कम आपको 3-4 महीने तक जो भी टोपी खाने की दवाइयाँ दी जाती है, 2-2.5 महीने तो लेना होता है, और जो क्रीम दी जाती है शुरू में 3-4 तरह की क्रीम हम देते हैं, उन्हें 2-3 महीने लगाएं, उसके बाद भी आपको एक नाइट क्रीम या एक डे क्रीम देते हैं, वो आपको जब तक आप इस एज ग्रुप में हैं लाइक 19, 20, 21 तब तक उसको लगाते रहें, इट्स बेटर टू प्रिवेंट एक्ने। तो जैसे दूसरी बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि बचाव ही उपाय है, तो पिंपल्स का भी हम कहते हैं कि पिंपल्स ना होने दें तो बेहतर है, अदरवाइज फिर जैसे हमने ज्यादातर मरीजों से सुना कि निशान रह जाते हैं, तो बिल्कुल एक क्रीम आपको बहुत लंबे समय तक लगानी होगी। अच्छा, आजकल पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है, जगह जगह पर पॉल्यूशन से लोग परेशान हैं, क्या अगर हमारे चेहरे को वो पॉल्यूशन छूता है क्या उससे भी ये प्रॉब्लम होती है? हाँ बिल्कुल, पॉल्यूशन में आप निकल रहे हैं तो आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो ब्लॉक होकर के देन दे विल एक्ने उनसे होता है, तो यही सलाह देते हैं जब भी आप बाहर जा रहे हैं जैसे ही लौटते हैं तो आप एक अच्छे फेस वॉश से फेस वॉश करें। चलिए अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अक्षय जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे आप? अक्षय जी आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हेलो, हेलो मैम। हाँ जी बताइए। हाँ मैम, मैं ऐसे कह रहा था कि मेरे पूरे, हाँ जी बिल्कुल। अक्षय जी फोन पे बात कीजिए, टीवी की ओर देख के बात मत कीजिए। मैं कह रहा था कि पूरे चेहरे के ऊपर जैसे पिंपल्स हो गए हैं तो उनका निशान ज्यादा रह गए हैं, तो वो पिंपल्स भी नहीं खत्म हो पा रहे हैं और वो निशान भी नहीं जा पा रहे हैं। हाँ तो अक्षय, अभी हम बात कर रहे थे, 2-3 मरीज आपसे पहले भी कॉल किया कि निशान की बात कर रहे थे, तो दवा से निशान नहीं जा पाएंगे, दवा से पिंपल्स ठीक हो जाते हैं दवा खाने से लगाने से, लेकिन जो निशान रह जाते हैं उनके लिए हमें कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं जिनमें केमिकल पील हम करते हैं 2-3 तरह की, और अगर कोई पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो लेजर ट्रीटमेंट सबसे बेहतरीन उपाय आजकल है, तो आप लेजर ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लें और उसको कराएं तो आपको अच्छा फायदा होगा। अच्छा डॉक्टर गुरी, बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनके मन में मिथ रहता है कि तेल लगा लो उस जगह पर, गरी का तेल लगा लो या फिर मलाई लगा लो, घर के नुस्खे अपनाने लगते हैं कि निशान चला जाएगा इसको अपनाते रहें,
तो क्या ये सेफ है, क्या ये नहीं ठीक नहीं है? बिल्कुल नहीं, तेल आप बिल्कुल नहीं लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी स्किन ऑयली है, इसलिए आपको पिंपल्स हो रहे हैं उस पर। आप और तेल लगाएंगे और ज़्यादा स्किन ऑयली होगी और पिंपल्स बढ़ जाएंगे। कुछ लोगों की आदत होती है सिर में तेल लगा के जो बचा हुआ तेल है फेस पे लगा लेते हैं, या इतना ज़्यादा तेल लगाते हैं कि वो चेहरे पर आता है। तो पिंपल्स के बचाव के लिए जरूरी है कि आप इवन केवल फेस पे ही नहीं बल्कि सिर में भी, बालों में भी जो तेल लगा रहे हैं बहुत कम और हल्का सा तेल लगाएं। खास तौर पे ऑयली स्किन की आपने बात की, तो ऑयली स्किन जिनकी होती है उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ऑयली स्किन जो है ये भी माना जाता है कि बेटर होती है ड्राई स्किन से, तो ऑयली स्किन वालों को खास क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, ऑयली स्किन बेटर नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी ऑयल सिक्रीशन अगर हो रहा है तो पूरे शरीर की बॉडी ठीक है, मॉइस्चराइज रहती है, बट अगर आपके फेस की स्किन ऑयली है तो दैट इज नॉट गुड। ओके, दैट इज नॉट गुड। तो उसके लिए हमें क्या अप्लाई करना चाहिए उसके लिए? जिससे कि ऑयली कम हो? हाँ, फेस वॉश यूज करें, कुछ एंटी ऑयली फेस वॉश आते हैं तो वो अगर आप यूज करें तो अगर उससे ऑयल कंट्रोल हो जाता है तो बेहतर है। अदरवाइज फिर इसके लिए ऑयली स्किन के लिए अलग तरह से केमिकल पील वगैरह आजकल होती है वो करवाएं तो उससे अच्छा ऑयल कंट्रोल होता है। दिन में कितनी बार जनरली हमें मुंह धोना चाहिए या अपने हाथ धोते रहने चाहिए? हाँ, 2 से 3 बार, बहुत अधिक इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं है। फेस वॉश का 2 या 3 बार आप मैक्सिमम फेस वॉश कर सकते हैं किसी फेस वॉश या किसी सोप से। अच्छा, कुछ लोग चाय का भी आजकल बहुत सेवन करते हैं, आजकल के काफ़ी लंबे समय से चाय का सेवन होता आ रहा है, क्या वो भी हार्मफुल है इस केस में? अगर कम मात्रा में चाय जैसे 3 या 4 कप चाय दिन में पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं है बल्कि वो कुछ फ़ायदा ही करती है। लेकिन अगर अधिक अमाउंट में चाय पी रहे हैं तो उसमें चीनी भी है, दूध भी है, तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा हाई कैलोरी इंटेक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो नुकसान करती है। जाने से पहले आप दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से, जहाँ तक पिंपल्स की आज हमने बात की थी, पिंपल्स का मैं यही कहना चाहूँगा कि ट्रीट देम अर्ली एंड ट्रीट देम गुड, यानी आप जितना जल्दी हो सकता है उतना इलाज कराएं, इंतजार ना करेंगे, बढ़ जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, अभी वैसे ही ठीक हो जाएंगे, कोई क्रीम लगा लेते हैं, ये सब आप ना करें। क्योंकि यही चीज़ आप डॉक्टर को दिखा के लेंगे तो पिंपल्स वहीं ठीक हो जाएगा, ना निशान छोड़ेगा, ना खड्डे जिनको एक्ने स्कार कहते हैं वो छोड़ेंगे। अदरवाइज आपको 3-4 तरह के इलाज देने पड़ेंगे, पहले पिंपल्स ठीक करवाएंगे, फिर उनके स्कार निशान ठीक कराएंगे, फिर एक्ने स्कार ठीक कराएंगे। तो अगर बहुत जल्द इनिशियल स्टेज में आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आप इन सब परेशानियों से और बचेंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुरी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज इस शो में, और धन्यवाद तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, थैंक यू। दादा दादी का लक्ष्य हेल्दी लाइफ, मम्मी डैडी का लक्ष्य हैप्पी लाइफ, तन्नू मन्नू का लक्ष्य जीनियस लाइफ, लक्ष्य दे ब्रेन एंड बॉडी फिट टू फाइट, लक्ष्य प्योर घी फॉर होल लाइफ, लक्ष्य 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 प्योर घी। श्रेष्ठता और शुद्धता आपका हक, हमारा लक्ष्य लक्ष्य प्योर घी। इस 2 अक्टूबर को आप सफाई के काम में अपने आप को जोड़िए। मैं रखूंगा अपने इंडिया को साफ, मैं करूंगा अपने गांव की सफाई, मैं करूंगा श्रमदान। आप जो सफाई अभियान में जुड़े उसकी एक फोटो मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर आप शेयर कीजिए। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछ न कुछ करने का संकल्प करें। अब हम नहीं करेंगे खुले में शौच, मैं करूंगा बापू के स्वच्छ भारत का सपना पूरा, और दूंगी योगदान स्वच्छ भारत के लिए, एक कदम स्वच्छता की ओर। प्रधानमंत्री जी के साथ अपने श्रम दान योगदान की फोटो शेयर करने के लिए मिस्ड कॉल करें 1800209020 पर, या लॉग इन करें mygov.in पर। यार, जयसवाल साहब के इनकम टैक्स की रेड हो गई। क्या? उनकी सारी अनअकाउंटेड कैश एंड ज्वेलरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सीज कर लिया। टैक्स की चोरी का मामला है, सुनने में आया है कि उनको पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन भी फेस करना होगा। आपका इनकम टैक्स इस देश की तरक्की में आपका असली योगदान है। अगर आप करें देश के विकास में योगदान तो बढ़ेगा हर नजर में आपका सम्मान। डिक्लेयर कीजिए अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, भारत सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 के तहत, जिसमें कुल 45% टैक्स देकर आप स्क्रूटनी, पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। स्कीम सिर्फ 30 सितंबर 2016 तक लागू है। इनकम टैक्स चुकाइए, अपना फर्ज निभाइए। क्यों घबरा गए जनाब, चोरी तो चोरी है,
कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। आज की पोल्यूशन और पेस्टिसाइड भरी लाइफ में आपका परिवार अनगिनत बीमारियों के साए में रहता है। इसलिए अपनाएं 5 तरह की तुलसियों के अर्क से खास विधि द्वारा तैयार जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो शरीर से बैड एलिमेंट्स, टॉक्सिन और विषैले पदार्थों को बाहर निकाले। जॉली तुलसी 51 ड्रॉप्स, जो मेरे परिवार को रखे बीमारियों से दूर। बस 5 बूंद रोज पियो, स्वस्थ निरोगी और लंबा जीवन जियो। हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, कबीरा मान जा। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए। द राइजिंग स्टार प्री ऑडिशंस 2 अक्टूबर रोहतक, वेन्यू कृष्णा पैलेस नियर हिंदू कॉलेज भिवानी चुंगी रोहतक। 9 अक्टूबर वेन्यू स्टेप टू डांस एकेडमी, शॉप नंबर 5317, अपोजिट हर गुलाल गर्ल्स स्कूल, नियर शर्मा बुक डिपो, अंबाला कैंट। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सौंधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जिंदगी लगने लगती है बोझ जब सताए घुटनों का दर्द रोज। श्री लाडवा गौशाला हिसार का अचूक असरदार व आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ऑर्थोकेयर। ऑर्थोकेयर अपनाएं, दर्द को कहें बाए और सुबह सैर को जाएं। खेत की मिट्टी पर भी जम कर चले बीकेटी टायर। बीकेटी टायर, ट्रैक्टर का सच्चा साथी। जितनी तेजी से शुगर की बीमारी बढ़ी है, उससे तेजी से बढ़ी हैं उसकी दवाइयाँ। लेकिन श्री लाडवा गौशाला हिसार का पंचगव्य आधारित गो कृपा है पक्का इलाज। शुगर को जाओगे भूल, लीजिए गो कृपा चूर्ण व कैप्सूल। इकोमैक्स खुराक वाली सूक्ष्म जड़ों को जमीन में ज्यादा दूर तक फैलाकर जड़ों से दूर पड़े हुए तत्वों को भी पौधों तक